हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो वैसे बात करें ऑनर और शाओमी की स्पेसिफिकेशंस की, रैम है, प्रोसेसर्स हैं और फीचर्स हैं, वो काफ़ी बढ़िया है। इस प्राइस रेंज के अंदर अगर बात करें तो उनकी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छी हैं। जैसे आपको बेजल लेस डिस्प्ले मिल जाता है और अच्छी रैम मिलती है। यही चीज़ आपको सैमसंग के अंदर देखने को नहीं मिलती थी। तो गाइज़, ये चीज़ अगर आप सैमसंग में देखें तो उस प्राइस रेंज में आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता। इस प्राइस रेंज में सैमसंग में आपको इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन नहीं मिलते जो आपको ऑनर और शाओमी में मिलते थे। जहाँ तक बात करें इनके डिस्प्लेस की, तो सैमसंग के बजट फ़ोन में किसी में भी ऑल स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है। शाओमी के इन्हीं फीचर्स को कम्पीट करने के लिए सैमसंग अपनी एम सीरीज़ लॉन्च कर रहा है इंडिया में। बेसिकली एम का मतलब है मिलेनियम सीरीज़। जैसा कि सुनने में आया, इस सीरीज़ में आपको M10, M20 और M30। सैमसंग अपने एम सीरीज़ स्मार्टफोन 28 जनवरी को इंडिया में लॉन्च कर रहा है, जिसकी कीमत 7,990 से चालू होगी। वही जो M10 सीरीज़ है उसके दो वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट है जिसमें 2 GB रैम और 16 GB मेमोरी, जिसकी कीमत है 7,990 रुपये। और जो दूसरा वेरिएंट है वो 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी, जिसकी प्राइस है 8,990। और बात करें M20 सीरीज़ की, तो उसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं। 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी का जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 10,990 रुपये का। और इसका जो दूसरा वेरिएंट है 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी के साथ, वो आपको मिलेगा 12,990 रुपये का। एम सीरीज़ से लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। शाओमी और ऑनर को कम्पीट करने के लिए सैमसंग ये 28 जनवरी को लॉन्च कर रहा है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है एम सीरीज़ के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और गाइस, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल टेक्नूटो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।